प्रिय दोस्तों, आज एक बार फिर आपकी बात में मैं WM डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र, जिसे आप अपरदन चक्र के नाम से जानते हैं, इस पर हम अपनी बात रखेंगे। डेविस के स्थलाकृतियों के निर्माण के संबंध में लोगों में कई भ्रांतियां हैं। जैसे ये अक्सर कहा जाता है कि लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेजेस एंड प्रोसेसेस। लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस। ये किसने कहा? लोग इसका तुरंत जवाब देते हैं, WM डेविस ने दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विलियम मॉरिस डेविस ने अपनी जियोग्राफिकल साइकिल जो शब्द का प्रयोग किया था, उस लेख में कहीं भी इस फार्मूले का उल्लेख नहीं किया है। यह उल्लेख बाद में लोगों ने उनके सिद्धांत की व्याख्या के दौरान किया। हां, डेविस ने जो भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था वो क्या है कि जियोग्राफिकल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन अपलिफ्टेड लैंड मास अंडरगोज इट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड स्कल्पचर। यानी भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके दौरान एक उत्थित स्थल खंड पर अपरदन के प्रक्रमों द्वारा समय के परिवेश में स्थल रूपों में क्रमानुगत परिवर्तन होता है। तो मैं आज फिर से आपको बता रहा हूं कि डेविस का मूल सिद्धांत क्या है। डेविस का मूल सिद्धांत है समय के संदर्भ में, समय के परिवेश में स्थल रूपों में क्रमानुगत परिवर्तन होता है। ये डेविस का सिद्धांत। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, देयर आर सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स थ्रू टाइम। और डेविस ने स्थलाकृतियों के विकास में अपने भौगोलिक चक्र के लेख में तीन कारकों का उल्लेख किया, तीन फैक्टर का उल्लेख किया। कौन से हैं वो? स्ट्रक्चर, इसका मतलब है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड एजेंट ऑफ इरोजन एंड टाइम। स्टेज शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, समय। और समय को डेविस ने प्रक्रम के रूप में लिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में को इन्होंने बृहद संदर्भ में लिया, जिसमें चट्टानों के प्रकार, जिसे लिथोलॉजी कहते हैं, चट्टानों की स्तर की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ रॉक बेड्स, जैसे वो झुकी हुई हैं, इंक्लाइंड हैं, वलित है, फोल्डेड है, गुंबद के आकार की है, डोम्ड है इत्यादि, ये सब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आते हैं। ज्वाइंट्स भी उसमें आते हैं, चट्टानों की संधियों को भी सम्मिलित करते हैं। फॉल्ट उसमें ब्रंसन भी आता है, लिनामेंट भी आता है। लिनामेंट माने भ्रंश की एक रेखा के सहारे दिशा। तो डेविस का मूल सिद्धांत क्या है? फिर रिपीट करता हूं कि समय के परिवेश में स्थल रूप में क्रमानुगत परिवर्तन। अगर आपको जब पूछा जाता है प्रश्न
कि डेविस का सिद्धांत क्या है, तो आप में से अधिकांश लोग वो साइकिल ऑफ फ्रोजन उनका सिद्धांत है। डेविस महोदय ने क्या प्रयोग किया था, जियोग्राफिकल साइकिल, भौगोलिक चक्र। इनका मूल सिद्धांत क्या है, समय के संदर्भ में परिवेश में स्थलाकृतियों में क्रमानुगत परिवर्तन, सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंड फॉर्म थ्रू टाइम। ये सिद्धांत है, फूट बांध लीजिए। और इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक है जियोग्राफिकल साइकिल। जियोग्राफिकल साइकिल इज ए मॉडल यूज्ड बाय डेविस टू एक्सप्लेन व्हाट, नॉट साइकिल ऑफ इरोजन, टू एक्सप्लेन सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंड फॉर्म थ्रू टाइम, समय के परिवेश में स्थल रूपों में क्रमानुगत परिवर्तन। और इसी को लेकर के आगे चल करके एक और सिद्धांत सामने आया, वो क्या था कि डिनोटेशन क्रोनोलॉजी का, अनाच्छादन कालानुक्रम। क्या मतलब है अनाच्छादन कालानुक्रम का, कि किसी भी क्षेत्र विशेष का प्रारंभ से लेकर आज तक स्थलाकृतियों के परिवर्तन का जो इतिहास रहा है विभिन्न भूगर्भिक या भौमिकीय कालों में। सो डिनोडेशन क्रोनोलॉजी रेफर्स टू द हिस्ट्री ऑफ इरोजन इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। समझे आप, एक डिनोडेशन क्रोनोलॉजी हुई। और इस तरह से हिस्टोरिकल जियोमॉर्फोलॉजी का अभ्युदय होता। तो डेविस महोदय ने जो भी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर रीजन में स्थलाकृतियों के स्थल रूपों के अध्ययन के आधार पर किया था। वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया का अध्ययन किया था, और वहां पर उनको बहुत सी ऐसी पहाड़ियां मिली थी जो सामान्य सतह से ऊपर 300 से 400 मीटर की ऊंचाई वाली थी, और उनका आकार कैसा था, उत्तल अवतल ढाल वाला। देखिए, उत्तल अवतल ढाल वाला, कॉन्वेक्सो कॉनकेव स्लोप वाला था। और इन पहाड़ियों का वहां पर नाम क्या है, न्यू हैम्पशायर क्षेत्र में मोनाड नाक है। और ये पहाड़ियां एक समतल क्षेत्र के ऊपर उठी हुई है, जिसको डेविस ने पेनी प्लेन कहा। और ये अपरदन चक्र के अंत में, यानी भौगोलिक चक्र के अंत में, जो अपरदन से पहाड़ियां अवशिष्ट रह जाती हैं, वो उनको इन्होंने, डेविस ने न्यू हैम्पशायर के मोनाड नाक पहाड़ियों के नाम पर मोनाड नाक कहा। हमसे जब कोई विद्यार्थी ऑटोग्राफ लेता है मेरा हस्ताक्षर, तो मैं उसको यही सीख देता हूं आशीर्वाद के रूप में कि प्रोजेक्ट इन योर लाइफ लाइक डिवीजन मोनाड नाक। इसको बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जिनको मैं लिख के देता हूं, पूछता हूं, लेकिन नहीं पता मैं क्या लिखता हूं। प्रोजेक्ट इन योर लाइफ लाइक डिवीजन मोनाड नाक।
मुनारना क्या है? अपरदन की प्रक्रियाओं से बचा हुआ सामान्य सतह से ऊपर उठी हुई ये कन्वेक्सो कनकेव उत्तल अवतल ढाल वाली पहाड़ियां हैं। यानी आप भी अपने जीवन में सारी बाधाओं विपत्तियों रुकावटों को दूर करते हुए जीवन में अपने डेविस के मुनाट नाक की तरह सबसे ऊपर रहे, यही ना हुआ इसका मतलब मुनाट नाक का। तो आज एक संक्षिप्त मैंने आपको अपने बातचीत के दौरान ये बताई कि फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि डेविस का मूल सिद्धांत है समय के परिवेश में समय के संदर्भ में स्थलाकृतियों में क्रमानुगत परिवर्तन, सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंड फॉर्म थ्रू टाइम, जिसकी व्याख्या के लिए उन्होंने भौगोलिक चक्र नामावली का उपयोग किया, जो आगे चलकर के साइकिल ऑफ इरोजन के रूप में ये प्रचलित हुआ। नमस्कार, गुड नाइट।